और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बताते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और इस मुठभेड़ के बीच पुलिस ने चार बदमाशों को धर दबोचा। पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में। यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। बदमाशों और डकैतों को ठिकाने लगाने के लिए योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस पर काम जारी है। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। वहाँ ऑपरेशन क्लीन के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बाइक से भाग रहे थे। पुलिस ने जब बदमाशों का पीछा किया तो अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस कर्मियों ने भी गोलीबारी की, जिसकी वजह से दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। बदमाश मौके का फायदा उठा पाते, पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों के साथ उनके दो अन्य साथियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश के बाद कहर बरपता दिखाई दे रहा है और लोग भी परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है, तो वहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। वहीं टिहरी में हुए भारी बारिश के बाद बालगंगा नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है। टिहरी के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश ने भारी तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते तोली, तिगड़, जखाना के ग्रामीणों की कई एकड़ जमीन नदी की चपेट में आ गई। इसी बीच टिहरी के बुढ़ाकेदार में तबाही का मंजर देखने को मिला, जहाँ नदी के तेज बहाव में एक घर नदी में समा गई। आसपास खड़े लोगों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ और चंद सेकंड में ही चार दुकानों वाला पक्का मकान नदी में गिरकर गायब हो गया। जब मकान गिरने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग वहां से दूर भाग खड़े हुए। बीती रात इस इलाके में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से नदियां तेज बहाव के साथ पूरे उफान पर थी। नदी का बहाव इतना तेज था कि जो कुछ सामने आ रहा था नदी उसे लीलती जा रही थी। 26 जुलाई की बात करेंगे, यानी कि कल राजस्थान की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांतिलाल को सुर्खियों में ला दिया है। आपको बता दें, शांतिलाल धारीवाल ने स्पीकर को वहां पर गाली दी, उनको धमकी दी। बजट पर चर्चा के दौरान ये तमाम वाकया हुआ है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये क्या है पूरा एपिसोड। शांति धारीवाल की गिनती यूथ हो राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन आए दिन वो अपने बयानों को लेकर गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शांति धारीवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और विवाद भी ऐसा कि वो थमता नहीं दिख रहा है। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। हैरानी ये है कि कांग्रेस के शांति धारीवाल ने न सिर्फ सदन की मर्यादा को तार तार किया, बल्कि उन्होंने स्पीकर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन सदन की मर्यादा को चूर चूर करते हुए कांग्रेस नेता धारीवाल ने न सिर्फ बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान टोके जाने पर स्पीकर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। तीस मिनट से अधिक बोल लिए हो। दरअसल सदन में ये बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बजट सत्र के प्रश्नकाल में बोलते हुए कांग्रेस के शांति धारीवाल को सभापति संदीप शर्मा ने समय की दुहाई देकर उन्हें अपना वक्तव्य खत्म करने को कहा, जिसके बाद धारीवाल ने सभापति से 5 मिनट और मांगे, जिस पर सभापति ने ये कहकर असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है।
जिसके बाद शांति धारीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सभापति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धारीवाल ने सभा में मौजूद कर्मचारियों को भी उल्टा पुल्टा कहा। विधानसभा में अपशब्दों के इस्तेमाल का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने भी उनके रवैये को लेकर आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सदन में कांग्रेस नेता के इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के पसंदीदा विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में कुर्सी को गाली दी और धमकियां दी। इससे पहले मंत्री रहते हुए धारीवाल ने राजस्थान के बलात्कारों में नंबर वन बनने को ये कहकर उचित ठहराया था कि मर्दों का प्रदेश है। क्या ये मोहब्बत की दुकान है राहुल जी, कोई कार्रवाई। हालांकि कांग्रेस नेता शांति धारीवाल और सभापति संदीप शर्मा के बीच हुए इस नोकझोंक के बाद दोनों नेता आपस में मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए, लेकिन सदन की मर्यादा को तार तार करने वाली इस घटना पर पूरे देश में बवाल मच गया है। सभी को इंतजार है कि सभापति सदन का मान बरकरार रखने के लिए कांग्रेस नेता को इस सड़क छाप भाषा के लिए क्या सजा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल एक पेइंग गेस्ट में एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। आखिर सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है और युवती को इस कदर मौत के घाट क्यों उतारा गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की युवती, बेंगलुरु में निर्मम हत्या। एक या दो नहीं, पूरे 15 बार गर्दन पर चाकू घोंपा। युवती चिल्लाती रही, वो चाकू मारता रहा। पीजी में घुसा हत्यारा, गला काटा, भाग गया। बेंगलुरु शहर से 2 मिनट 19 सेकंड का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में एक युवती पर एक शख्स लगातार कई हमले करते नजर आया। मामला कोर मंगला के पेइंग गेस्ट हाउस का है, जहां कई लड़कियों के साथ बिहार की युवती भी रहती थी, लेकिन वहां पर उसका शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की जांच हुई तो सीसीटीवी निकाला गया, जिसमें हत्या कैसे हुई इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे एक युवक पीजी में आया, उसने एक रूम का दरवाजा खटखटाया। युवती ने दरवाजा खोला तो युवक ने उस पर हमला कर दिया। युवती ने बीच बचाव किया तो आरोपी उसे खींचता हुआ गलियारे तक ले गया। वीडियो 23 जुलाई